वेलकम फ्रेंड्स टू माई यूट्यूब चैनल पीओ गाइड टिप्स एंड ट्रिक्स मैं संजय विश्वास आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। जी डी एस टू एम टी पोस्टमैन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया थे उसका सेवेंथ वीडियो आज है इस वीडियो में हम पीओ गाइड पार्ट वन के जो सिलेबस है उस सिलेबस के पोस्ट बैग एंड पोस्ट बॉक्स के बारे में हम यहाँ पे एम सी क्यू क्वेश्चन देखेंगे विथ आंसर्स तो वीडियो को इन तक देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए हेल्पफुल लगे इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए कोई क्वारी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को तो चलिए हम स्टार्ट करते आज के पहले क्वेश्चन से द पोस्ट बैग एलुमित लॉक एंड डुप्लीट की इज़ सप्लाइड बाई द करेक्ट आंसर इज़ द रेंटर दो जो रेंटर है वो जो पोस्ट बैग होते हैं जो पोस्ट बॉक्स uh, होते हैं उसका लॉक सप्लाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते रजिस्टर्ड आर्टिकल बियरिंग पोस्ट बॉक्स नंबर ऑफ़ द रेंटर ऑफ़ अ पोस्ट बॉक्स शुड बी अगर कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल है जिसमें पोस्ट बॉक्स नंबर अवेलेबल है जो कि रेंटर के हैं पोस्ट बॉक्स है उसको हम क्या करना चाहिए तो यह पे राइट आंसर डिलीवर्ड एट द पोस्ट ऑफिस थ्रू द पोस्टमैन यह पे करेक्ट आंसर है तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हुईच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एड्रेस टू द अदर पर्सन और फॉर्म केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर्स आर डिलीवर्ड थ्रू द पोस्ट बॉक्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन है इसमें कौन सा करेक्ट है तो यहाँ तो पे नंबर वन है आर्टिकल एड्रेस टू आ लेजिटिमेट पर्सनल ऑफ़ द फार्म रेंटिंग द पोस्ट बॉक्स सेकेंड आर्टिकल्स एड्रेस टू फैमिली मेम्बर्स एंड द क्विस्ट ऑफ द रेंटर थर्ड आर्टिकल्स एड्रेस टूअर्ड ट्रेनिज और इंटीमेट्स ऑफ एंड इंस्टीट्यूशन कंट्रोल बायोगनाइज एंड नोन अथोरिटी नंबर 4 आर्टिकल्स एड्रेस यू आ कैजुअल विजिटर्स एंड कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव स्टेइंग विद द रेंटर तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है नंबर वन ओनली जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है आर्टिकल एड्रेस टू आ लेजिटिमेट पर्सनल ऑफ़ द फार्म रेंटिंग द पोस्ट बॉक्स यहाँ पे करेक्ट आंसर आंसर है तो वन ओनली जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है वो यहाँ पर राइट आंसर होंगे इसको हम यहाँ पर करेक्ट आंसर मानेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चलिए उसको हम देखते इफ़ आर्टिकल इज रिसीव्ड एड्रेस्ड केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स बट द एड्रेस ही हैज़ सीज टू बी द रेंटर ऑफ़ अ पोस्ट बॉक्स द आर्टिकल शुड बी तो रिटर्न टू सेंडर जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है वो करेक्ट आंसर होंगे इसके मतलब है अगर कोई पोस्ट बॉक्स के आ, नाम पे कोई आर्टिकल आया है एंड वो पोस्ट बॉक्स सीज हो गया तो उसको हम रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते इफ़ द लॉक एंड की आर नॉट सरेंडर बाय द रेंटर ऑफ अ पोस्ट बॉक्स टू द पोस्ट मास्टर विद इन फिफ्टीन डेज जो राइट right आंसर है यह पे ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द रेंटिंग ऑफ दिस पोस्ट बॉक्स इज नॉट रिन्यूड विद इन द एफ पीरियड द डिपोजिट विल बी फॉरफिटेड तो फिफ्टीन डेज जो ऑप्शन है यह पे राइट right आंसर है अगर कोई लॉक की सरेंडर नहीं किया है एंड पोस्ट बॉक्स को रिन्यू नहीं किया है तो जो डिपोजिट अमाउंट है वो फॉरफिटेड हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन द रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स हैज़ टू पे नेसेसरी द रेंट ऑफ द बॉक्स दो जो पोस्ट बॉक्स का रेंट है वो नेसेसरीली पे करना पड़े पड़ेगा बॉक्स का जो रेंटर है नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीमेशन रिगार्डिंग चेंज ऑफ द बिजनेस एड्रेस अपर शुड बी गिवेन बाय द रेंटर टू द पोस्ट मास्टर विद इन सेवन डेज अगर कोई पोस्ट बॉक्स का बिजनेस का एड्रेस चेंज होता है तो उसको सेवन डेज के अंडर पोस्ट मास्टर को इंटीमेट करना पड़ेगा तो सेवन डेज इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते द एप्लिकेंट शुड स्पेसिफिकली स्टेट ইন দ্য অ্যাপ্লিকেশন দ্য এক্স্যাক্ট নেচার অফ দ্য বিজনেস শুড বি ডিউলি সার্টিফাইড বাই টু রেসপেক্টেড পার্সন নট কানেক্টেড উইথ হিম ইন এনি ওয়ে অ্যান্ড ফার্নিশ ফুল পার্টিকুলার অফিস বিজনেস অ্যাড্রেস দিস উইল নট বিসিস্টেড অপন ইন কেস অফ ইয়া ফোর অপশন হোক কি ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি যো অপশন গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন সেমি গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন প্রাইভেট পার্টিস নোন টু পোস্টমাস্টার এ তিনি ইয়া करेक्ट आंसर है तो यहाँ पे वन टू एंड थ्री ओनली जो यहाँ पे राइट right आंसर है इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड जो प्राइवेट पार्टीज विथ फेल्ड टू एस्टेब्लिश देर आइडेंटिटी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पोस्ट मास्टर ए रॉन्ग है इसको हम ना करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मनी ऑर्डर एड्रेस टू पोस्टबॉक्स बॉक्स नंबर शुड बी कैन नॉट बी बुक्ड अगर कोई कस्टमर कस्ट काउंटर पर आते हैं मानी ऑर्डर बुक करने के लिए या ई एम ओ बुक करने के लिए जो कि पोस्टबॉक्स नंबर पर एड्रेस्ड है तो उसको हम बुक नहीं करेंगे कैन नॉट बी बुकड यह पे राइट right आंसर होंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चलिए उसको हम देखते द सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल इन अ बैग विथ एलोंग विथ अ लॉक एंड डुप्लिकेट की इज टू बी सप्लाइड बाई रेंटर इज़ अवेलेबल एट ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड पोस्ट बैग तो पोस्ट बैग इज़ द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी इज़ अवेलेबल एट तो पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी कहाँ पे मिलते है? तो पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी कहाँ पे मिलते है? ये जो डिसाइड करते हैं वो है हेड ऑफ़ द सर्किल तो हेड ऑफ़ द सर्किल जिस पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे ही मिलते हैं तो वो डिटरमाइंड बाय एच ओ सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज़ द रेंट फॉर ए पोस्ट बॉक्स फॉर पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग फॉर ए वन फिनशियल ईयर तो एक साल के लिए एक फिनेंशियल uh, ईयर के लिए पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग के जो रेंट uh, है वो कितने हैं चलिए वो हम देखते हैं रुपीज़ वन फिफ्टी इज़ द रट आंसर तो वन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज़ इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ फार्म और अदर बॉडी who desires to avail himself of the facility of having his mails delivered through a post box should submit an application in writing in the form prescribed for the purpose तो uh, किसके पास है जो एप्लीकेशन है उसको लिखेंगे तो पोस्टमास्टर इज द राइट आंसर डिलीवरी पोस्ट ऑफिस जिस ऑफिस के ऑफिस में पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैक के लिए वो फैसिलिटी लेना चाह रहे हैं तो पोस्ट उस ऑफिस का पोस्टमास्टर के पास वो एप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हुई ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स या पे फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड लेटर्स इनलैंड लेटर कार्ड्स पोस्ट कार्ड और और फुल्ली प्रीपेड रजिस्टर्ड पार्सल यहाँ पे चार ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर डिलीवर थ्रू पोस्ट बॉक्स पोस्ट बॉक्स के थ्रू से कौन सा इस चार्ज जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इसमें जो कि पोस्ट बॉक्स के थ्रू से हम डिलीवर कर सकते हैं तो वन टू एंड थ्री इज़ द राइट आंसर फुल्ली प्रीपेड रजिस्टर्ड आर्टिकल पार्सल हम पोस्टबॉक्स के थ्रू से डिलीवर नहीं कर सकते नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं व्हाट इज द एनुअल रेंट फॉर अ पोस्ट बैग तो पोस्ट बैक के लिए जो एनुअल फ़ी है वो कितने का है तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है रुपीज़ टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी किसी भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं है तो नान ऑफ द एबअब यह पे हम सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ की ऑफ पोस्ट बॉक्स गिवेन ऑन रेंट टू द रेंटर तो रेंटर के पास जो पोस्ट बॉक्स दिया गया है उसके जो जो की uh, है उसके सेफ्टी सेफ कस्टडी किसके पास रहेंगे तो द रेंटर इज द राइट आंसर रेंटर के पास ही रहेंगे रेंटर ही जो पोस्ट बॉक्स दिया गया है उसका जो की है उसका सेफ कस्टडी है तो द रेंटर यह पे राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेंट फॉर ए पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग इन अ क्वार्टर तो पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के एक क्वार्टर का यानी कि थ्री मंथ्स के लिए उसका जो रेंट कितने रुपीस का है तो जो रेंट है वो फिफ्टी रुपीस का है तो रुपीस फिफ्टी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द पीरियड ऑफ रेंटल ऑफ द पोस्ट बॉक्स कमेंट्स फ्रॉम द तो जो पीरियड होता है रेंटल का बॉक्स का वो कब से स्टार्ट होता है तो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन हुच द बॉक्स इज एलोटेड वो राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन द फैसिलिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ मेल्स थ्रू पोस्ट बैग इज अवेलेबल एट तो ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस जो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है वो यहाँ पे राइट right आंसर है तो ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस इज द राइट आंसर तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देख लेते हैं इफ द रेंटर ऑफ ए पोस्ट बॉक्स इज फाउंड टू हैव फर्निश्ड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन वाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट बॉक्स द पोस्ट ऑफिस विल भी तो अगर कोई रेंटर पोस्ट बॉक्स जब उसको लेने के लिए वो अप्लाई कर रहा है एंड इन जो इन्फॉर्मेशन उसने फर्निश किया है वो रॉन्ग है या इनकरेक्ट है तो उसको क्या किया जाएंगे पोस्ट ऑफिस के द्वारा तो यहाँ पे मे विड्रॉ द पोस्ट बॉक्स विदाउट नोटिस एंड विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न जो ऑप्शन है यहाँ पे राइट right आंसर होंगे हम किसी भी टाइम पे उसको विथड्रॉल किया जा सकते हैं किसी भी रीज़न के रीज़न असाइन किए बिना नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द रेंट फॉर पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग बोथ इन अ फिनेंशियल ईयर तो पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग के लिए एक फिनेंशियल ईयर के लिए कितने रेंट है तो रुपीज टू फिफ्टी इज द राइट आंसर तो यहाँ पे रुपीज टू फिफ्टी यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्ट बैग्स आर डिफाइन इन क्लॉज नंबर डैश ऑफ पीओ गाइड तो पीओ गाइड के कौन सा क्लॉज में पोस्ट बैग्स को डिफाइन किया गया है तो क्लॉज नंबर फिफ्टी सिक्स ऑफ पीओ गाइड पार्ट वन यहाँ पे राइट आंसर है जो कि पीओ गाइड पार्ट वन के 56 सिक्स क्लॉज नंबर 50 56 में पोस्ट बैग को डिफ़ाइन किया गया है तो क्लॉज नंबर 56 सिक्स ऑफ पीओ गाइड पार्ट वन यहाँ पे राइट right आंसर है इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चलिए उसको हम देख लेते हैं हु सप्लाइड द डिलीवरी टिकट टू द रेंटर ऑफ अ पोस्ट बॉक्स तो पोस्ट बॉक्स के पास जो डिलीवरी टिकट होते हैं हम उसको डिलीवरी करने के लिए कोई आर्टिकल्स वो डिलीवरी टिकट कौन सप्लाई करते हैं तो यह पे जो राइट right आंसर है चलिए उसको हम देखते हैं तो पोस्ट मास्टर इज द राइट आंसर पोस्ट मास्टर डिलीवरी टिकट को सप्लाई करते हैं तो पोस्ट मास्टर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोस्ट बैग पोस्ट बॉक्स सॉरी पोस्ट बैग का मीनिंग क्या होता है उसका मतलब क्या होता है सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल इन अ बैग टू द रेंटर इन अ लॉक कंडीशन जो कि यह पे राइट right आंसर है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चलिए उसका हम देखते हैं व्हाट इज़ द रेंट फॉर पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग बोथ व्हेन टेकन टुगेदर फॉर थ्री कैलेंडर मंथ्स और पार्ट देयर ऑफ इज़ तो पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग के एक साथ का जो कैलेंडर ईयर का कैलेंडर मंथ का जो फी है वो कितने का है तो रुपीज़ एट्टी इज़ द राइट आंसर तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेन एन आर्टिकल एड्रेस टू पोस्टबॉक्स नंबर कैन नॉट बी प्लेस्ड इन द पोस्ट बॉक्स वइंग टू इट्स साइज अगर कोई आर्टिकल को उसके साइज के मुताबिक वो पोस्ट बॉक्स में फिट नहीं हो रहा है तो उस आर्टिकल को हम क्या करेंगे तो ऐसे आर्टिकल के लिए हम एन एंड इंटीमेशन विल बी प्लेस्ड इन द पोस्ट बॉक्स एंड द आर्टिकल केप्ड डिलीवरी डिपार्टमेंट तो ऐसे अगर आर्टिकल के लिए हम पोस्ट बॉक्स में हम उस पोस्ट बॉक्स रेंटर के लिए एक इंटीमेशन सर्व करेंगे एंड जो आर्टिकल है उसको हम डिलीवरी डिपार्टमेंट में उस उसको रखेंगे उसको इंटीमेशन सर्व के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं व्हेन द रेंटर ऑफ अ बॉक्स डज नॉट क्लियर इट फॉर अ वीक अगर कोई पोस्ट बॉक्स का रेंटर उस पोस्ट बॉक्स को वन वीक के लिए उसको one, एक हफ्ते के लिए उसको क्लियर नहीं करते वो नोटिस विल बी सेंड टू हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू क्लियर द पोस्ट बॉक्स यहाँ पे राइट right आंसर है तो उसको क्लियर करने के लिए हम थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट इसको आपको ख्याल रखना है ध्यान रखना है ओनली सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से ही हम उसको इंटीमेशन सर्व करेंगे उसको क्लियर करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बॉक्सेस अवेलेबल ऑन रेंट एट सर्टेन पोस्ट ऑफिस एज मे बी डिटरमाइन इन दिस बय देड ऑफ़ द सर्किल यहाँ पे राइट right आंसर है जो कि हेड ऑफ़ दर्कल इसको डिटरमाइन करता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द पोस्ट बॉक्स पोस्ट बॉक्स का एडवांटेज क्या होता है तो यहाँ पे टोटल थ्री ऑप्शन है फर्स्ट द रेंटर नीड नॉट वेट फॉर पोस्टमैन और हीज बीट डिलीवरी

नंबर वन ओनली यह पे राइट आंसर है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चलिए उसको हम यह पे देख लेते हैं अगर आपको वीडियो पसंद है हेल्पफुल लगे इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए कोई क्वारी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो कैसे लग रहे हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं पोस्ट बॉक्सेस आर डिफाइंड इन क्लॉज नंबर डैश ऑफ पीओ गाइड तो पीओ गाइड के कौन से क्लॉज में पोस्ट बॉक्स को डिफाइन किया गया है तो यहाँ पे क्लॉज नंबर 55 फाइव ऑफ पीओ गाइड पार्ट वन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड फॉर व्हिच पोस्टमास्टर मे में द प्रोहिबिट द क्लियरेंस ऑफ बॉक्स फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग द शॉर्टिंग ऑफ पेंस तो हाफ एन आवर के लिए वो इसको प्रोहिबिट कर सकते हैं क्लियरेंस को यानी कि और जो बिजनेस आवर से किसी भी टाइम पे जो रेंटर है उसको क्लियर कर सकते हैं लेकिन पोस्टमास्टर चाहे तो शॉर्टिंग के लिए वो हाफ एन आवर के लिए उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन चलिए हम देख लेते हैं वट अमाउंट विल बी टेकन फ्रॉम अ कस्टमर फॉर अ फिनेंशियल ईयर वैन ही टेक्स पोस्ट बॉक्स ऑन रेंट इन डिसम्बर तो अगर कोई uh, रेंटर कोई भी फिनेंशियल ईयर में डिसम्बर मंथ में पोस्ट बॉक्स रेंट में ले रहा है तो उसका जो चार्ज है वो है रुपीज़ हंड्रेड तो यहाँ पे रुपीज़ हंड्रेड यहाँ पे राइट आंसर होंगे तो यहाँ पे रुपीज़ हंड्रेड को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे तो इस सीरीज़ का सेवेंथ वीडियो में हम यहाँ पे पीओ गाइड पार्ट वन के जो सिलेबस है जी डी एस टू एम टी एस पोस्टमैन एग्जाम के लिए उसका पीओ गाइड पार्ट वन का पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग के बारे में यहाँ पे हम 30 प्लस एम सी क्यू क्वेश्चन एंड विथ आंसर्स हम देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हेल्पफुल लगे इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए कोई कॉली है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अभी के लिए इतने मिलते अगली वीडियो में